नमस्ते। ओशो सेंटारो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ गाइडेंस की, और कार्ड ऑफ गाइडेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं थ्री ऑफ डिस्क यानी थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो गाइडेंस कार्ड को समझने से पहले थोड़ा बहुत थ्री ऑफ पेंटिकल्स को समझेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल एक कार्ड है जिसमें हम सीक्रेट ज्योमेट्री को जो है फॉर्म होते हुए देखते हैं। सीक्रेट ज्योमेट्री क्या है? दुनिया में जिस चीज़ के अंदर भी बैलेंस है, ब्यूटी है, ग्रोथ है, उस सब के पीछे जो है सीक्रेट ज्योमेट्री है। सीक्रेट ज्योमेट्री के अंदर जो है ट्रायंगल, सर्कल, हेक्साग्राम, स्क्वायर, ये सब फिगर्स आ जाती हैं। लेकिन ये सारी की सारी फिगर्स जो हैं कहीं ना कहीं हमें बहुत डीपली इन्फ्लुएंस करती हैं। इसी सेम ज्योमेट्री की बात जो है योगा में भी की गई है। योगा का सारा प्रोसेस जो है कैसे हम अपनी बॉडी को जो है इस सीक्रेट ज्योमेट्री के अंदर जो है अलाइन कर लें। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स के अंदर हम वही देखते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो गया जिसके अंदर हम अपने आप को उस सीक्रेट ज्योमेट्री के साथ जो है अलाइन कर रहे हैं। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक कार्ड है ग्रोथ का, मैच्योरिटी का, एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने का जो कि आपके स्पिरिचुअल और आपके फिजिकल वर्ल्ड के लिए जो है आगे जाके हितकारी होगा। और तीन की जो शक्ति है यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जब भी तीन की शक्ति जो है जब मिल जाती है तो वहाँ पे जो है मामला कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे जो है ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। और ट्रायंगल जो है सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल फिगर है इस यूनिवर्स का। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी थ्री ऑफ पेंटिकल्स की। अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ गाइडेंस की। कार्ड ऑफ गाइडेंस की फिगर के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो फिगर है वो एक तरह से एक फ्लो कर रही है एक रिवर की तरह, कि जैसे वहाँ पे कोई एफर्ट नहीं है, वहाँ पे सिंपली जो है एक बहाव है। और ये जो बहाव है वो एक तरह से इनर गाइडेंस का है, और जहाँ पर भी ये बहाव जो है लेके जा रहा है वहाँ पे जो है ये फिगर जो है जाती हुई दिख रही है। इस कार्ड का जो मैसेज है वो यही है कि कैसे जो है आप अपने इनर गाइड को जो है डिस्कवर कर लें और उस इनर गाइड के साथ जो है फ्लो कर सकें। और जिस दिन आप उस इनर गाइड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उस दिन आपके जीवन में जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन घटनी शुरू हो जाती है। उस दिन बाहर के गुरु की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आपके भीतर का जो गुरु है वो ज़िंदा हो जाता है। और बाहर का गुरु का पर्पस ही ये होता है कैसे जो है आपके उस भीतर के गुरु को जो है जगा दे। और जिस दिन जो है आपका वो जो भीतर का गुरु है वो आपसे बात करना शुरू कर देता है, उस दिन जो है आपके जीवन में प्रकाश हुआ, उस दिन जो है आपके जीवन से जो है अंधेरा मिटना शुरू हो गया। तो कार्ड ऑफ गाइडेंस में जो है उसी इनर गाइड के साथ जुड़ने की जो है बात की गई है, और साथ में प्रॉब्लम भी बताई गई है कि हमारा जो इशू है क्यों हम नहीं जुड़ पाते उसके साथ। उसके पीछे रीज़न सिंपली ये है कि जब हम विचारों के साथ जुड़े होते हैं, जब भी हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं, विचार जो है हमें बाहर की दुनिया के साथ जोड़ता है। जब जब आप विचारों के साथ जुड़ेंगे तब तब आप जो है उस इनर गाइड के साथ जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तभी ध्यान की बात की गई है। ध्यान के अंदर जो है एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पे आप जो है निर्विचार होना शुरू हो जाते हैं, और उस इनर गाइड के साथ जुड़ना बहुत ईजी हो जाता है। जितने ज़्यादा विचार होंगे उतना ज़्यादा जो है आप फिजिकैलिटी में होंगे, उतना ज़्यादा आप संसार में होंगे, उतना ज़्यादा आप उलझनों में फंसे होंगे। जितना कम से कम विचार होंगे उतने ज़्यादा आप रिलैक्स होंगे, उतना ज़्यादा जो है आपके भीतर का जो प्रकाश है वो जल की भभक के चलेगा और आपको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस भी दे पाएगा। तो जिस भी व्यक्ति के भीतर जो है वो गाइड जिंदा हो जाए, उसकी जो उसके भीतर का जो प्रकाश जो है वो जलना शुरू हो जाए, उस दिन जो है उसके जीवन में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए विचारों से बाहर आना है और अपने गहरे तल से जुड़ना है, अपने गहरे होने से जुड़ना है, जहाँ पे आप अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे, जहाँ पर आपका असली होना है। एक दिन एक शिष्य जो है बाबा फरीद के पास मिलने आए, और उन्होंने कहा कि बाबा मुझे जो है सत्य के बारे में जानना है, क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, क्या आप मुझे बताएंगे कि सत्य क्या है। बाबा फरीद ने जो है उस शिष्य की तरफ देखा और शिष्य को देख के कहा, तू सच में जानना चाहता है? जिस तरह से बाबा फरीद ने पूछा उससे, एक बार को तो जो है वो शिष्य जो है घबरा गया, कि जैसे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे अभी उसको उत्तर मिल जाएगा।
लेकिन बाबा फरीद ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, तू जानना चाहता है तो तेरे को बता देंगे। मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, तू मेरे साथ आ और हो सकेगा तो वहीं पे जो है सत्य से जो है मिलन करवा देंगे तेरा, चल मेरे साथ। उस शिष्य के अंदर जो है फिर से जो है घबराहट शुरू हो गई। उसने कहा कि ये बात जो है सिंपली जो है बोल के बताई जा सकती है, ये नदी पे क्यों लेके जा रहे हैं मुझे। लेकिन उनकी बातों का बहुत गहरा प्रभाव था तो उनको मना भी नहीं किया जा सकता था। और कहते हैं बाबा फरीद जो है लंबे चौड़े हट्टे कट्टे इंसान थे, और ये जो शिष्य जो उनसे मिलने आया था ये दुबला पतला था, क्योंकि हर वक्त विचारों में रहता था, क्योंकि विचार करने वाला व्यक्ति अक्सर जो है दुबला पतला ही मिलता है। तो खैर दोनों जो है स्नान करने के लिए जो है नदी में उतरे, और जैसे ही बाबा फरीद को मौका मिला उन्होंने जो है उस शिष्य की गर्दन पकड़ के जो है पानी में डुबो दिया उसको, और किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई और किनारे पे गया। उसको तो समझ नहीं आया कि बाबा तेरे बारे में लोग सही बोलते थे कि तू पागल भी है, तू मुझे मारने पे तुला है क्या। तो बाबा मुस्कुराए, उसने कहा कि वो बात बाद में करेंगे, पहले एक चीज़ बता कि जब मैंने तेरा सर जो है पकड़ के पानी के अंदर करा था तब उस वक्त तेरे अंदर क्या विचार था। उसने कहा विचार, उस वक्त क्या विचार था, मेरे को बस इतना पता था कि मेरे को अपनी जान बचानी है, और तब तो मैं भी नहीं था, मेरे भीतर कुछ और ही था जिसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो जो है बस जीवन चाहता था, तो मुझे सिर्फ उस क्षण में जीवन के सिवा कुछ नहीं पता था। तो बाबा फरीद ने कहा कि तुझे जो है उत्तर मिल गया है, चल अब तू अपने रास्ते लग, यही मैं तुझे बताना चाहता था कि विचारों में जीवन नहीं जिया जाता, जीवन जिया जाता है भाव में, जीवन जिया जाता है जब तुम अपने अंतरतम के साथ जुड़ते हो। राह ना पूछो किसी से, खुद ही चलना सीखो, जिसने रास्ता दिखाया वह भी गुमराह हुआ, खुद ही अपने दिल में झांको वहां सब कुछ मिल जाएगा, वह जो तुमसे मिलने को बेताब है वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे ढूंढो और वह तुम्हें मिल जाएगा। मार्गदर्शक केवल एक संकेत है, तुम ही अपने मार्ग के निर्माता हो, तो आगे बढ़ो और अपनी मंजिल तक पहुंचो। तो असली जो मार्ग है वो तो आपके भीतर से ही आएगा, बाहर से सिर्फ आपको इशारे किए जा सकते हैं, बाहर से जो है आपको छोटे मोटे ग्लिम्प्स मिल सकते हैं, असली में चलना आपको खुद ही पड़ेगा, असली में खुद ही आपको जो है अपना जो है मैप बनाना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन को कहाँ लेके जाना है। और गुरु ओशो कहते हैं कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो यही है कि क्योंकि आप जो है अपने उस भीतर के गुरु के साथ नहीं जुड़े हुए, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो उस भीतर के गाइड के साथ जुड़ने नहीं देता। और वो ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है अपने भीतर जो है बुद्ध है, इस बुद्ध को जो है पहचानना है, इस बुद्ध को जो है जीना है, इस बुद्ध को जो है व्यक्त करना है। वो ये भी बोलते हैं मुझे पता है कि मैं बुद्ध हूँ, मैं भगवान हूँ, बस तुम्हें नहीं पता, यही डिफरेंस है तुम में और मुझ में, यही फर्क है तुम में और मुझ में कि मुझे पता है और तुम्हें पता नहीं है। तो एक बार ये एहसास होना शुरू हो जाए उस भाव के साथ, उस धीमी सी आवाज़ के साथ अगर आप जुड़ना शुरू कर दें तो सत्य जो है प्रकट होना शुरू हो जाता है, आपकी खिलावट जो है होनी शुरू हो जाती है, आपकी जो भगवत्ता है वो प्रकट होनी शुरू हो जाती है। फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि दरवाज़ा कहाँ है, ये वही पूछ सकता है जिसकी आंखें बंद हैं। एक बार उस गाइड के साथ जुड़ने के बाद आपके जीवन में जो है गाइडेंस शुरू हो जाती है। सूफी संत मौजू की एक प्यारी सी एक कथा है। मौजू जो है अपना जीवन जो है छोटा मोटा काम करके गुजारा करते थे, ऐसे ही उनका जीवन जो है व्यतीत हो रहा था, वो प्रभु की भक्ति जो है अपने ढंग से करते थे। एक दिन जो है वो बाग में घूम रहे थे कि उनको जो है खिद्र से मिलना हुआ। खिद्र जो है वो सूफियों की परंपरा में जो है एक छुपा हुआ गाइड है, एक गाइडिंग एंजल है जो आपको रास्ता दिखाता है, जो आपके साथ जो है जो आपको मुश्किलों से बाहर निकालता है। वो खिद्र जो है वो मौजू के सामने प्रकट हुआ और उसने मौजू को बोला कि छोड़ अपना काम धाम और मेरे साथ चल, और मौजू ने यही किया। मौजू ने अपना काम वगैरह सब कुछ छोड़ के अपना सामान वगैरह बांध के खिद्र के साथ चल पड़ा। उसके कुछ समय बाद खिद्र ने दोबारा जो है मौजू को बोला अब एक काम कर, नदी में कूद जा, देखते हैं कौन तुझे बचाता है। मौजू का बहुत गहरा एक ट्रस्ट था उस गाइड के प्रति, वहां पे विचार नहीं था, वो बस कूद गया।
और उसको जो है एक मछुआरे ने बचाया। वो मछुआरा जो है उसको घर ले गया, उसको खाना खिलाया, उसकी सेवा करी, और मौजू जो है उसी मछुआरे के साथ रहने लगा और अपना जीवन जो है व्यतीत करने लगा। उसके कुछ समय बाद दोबारा से खिद्र उसके सामने प्रकट हुआ। तो खिद्र ने कहा, अब इसको भी छोड़ दे, मेरे साथ चल। मौजू ने वही किया, सब कुछ छोड़ दिया। अब मौजू ने जो है व्यापार करना शुरू कर दिया, उसने बहुत धन कमा लिया और फिर एकदम से गरीबों की सेवा भी करनी शुरू कर दी। वो लोगों में पॉपुलर हो गया, लोग उसको जानने लग गए, लोग उसको पहचानने लग गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोग उसके पास इकट्ठे हुए, वो लोग उसकी जो है जीवनी लिखना चाहते थे। उन लोगों ने उससे पूछा कि मौजू, तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? तो मौजू ने कहा, मेरी सफलता का राज जो है उसके अंदर जो है मेरा हिस्सा जो है थोड़ा सा है, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है खिद्र का है। लेकिन मौजू ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने खिद्र की बात करी, खिद्र की बात करने की अनुमति नहीं है, इसलिए ये कहानी झूठ है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मौजू की कहानी हमें ये बताती है कि मौजू ने अपना जीवन जो है एक फ्लो में जिया। उसने अपने जीवन को एक ऐसे जिया जैसे कि उसको एक अंदर से एक गाइडेंस मिल रही थी, जिसकी बात मौजू जो है खिद्र की तरह कर रहे हैं। वो खिद्र जो है और कुछ नहीं, आपके भीतर का गाइड है, आपके भीतर का गुरु है, जो आपके भीतर बैठा है, उसी को जगाने की बात है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक रिमाइंडर मिलेगा आपके भीतर के गाइड को जगाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।